सो आज हमारा डे 3 है ना मैम, डे 4, टुडे इज अवर डे 4। और आज के दिन हम जल्दी उठ गए, थैंक्स टू मैम, दिस इज हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मतलब हैंड राइटिंग को लेके भी ऐसा कुछ हो सकता है। मेरे लिए ये बहुत एक यूनिक चीज़ थी। सो मुझे लगा कि ये मतलब हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए जो बंदा इसमें मेरा नाम इंटरेस्टेड हो। प्रतिभा अम्बेकर है, मैं एक हैंड राइटिंग एनालिस्ट हूँ और मैं एक न्यू कोड NLP प्रैक्टिशनर हूँ, मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और जहाँ पे मतलब जो मैं सोचती हूँ और जो मैं बाहर बात करती हूँ और जो मेरा बॉडी लैंग्वेज है वो सारा कॉन्ग्रुएंट है, राइट? दिस इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है और आई एम अ माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर, ठीक है? ये मेरे बारे में हुआ। और मैं जहाँ पे हम आजकल वी आर हुक्ड विद द मोबाइल्स, विद द गैजेट्स, एंड वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, एंड वी आर फॉरगेटिंग द हैंड राइटिंग, द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग। ओके, सो दिस हैज़ बिकम अ डाइंग आर्ट। सो what I want, my mission is transform 10,000 lives from till 2027, right? And nowadays the class 5 student can't distinguish a B and a D, a 12 and a 21. So I work with these kind of students. I work with people who are having dyslexia. I work with students who are hyperactive, ADHD. I work with adults who are suffering from Parkinson's. Okay. And I work with children like who are having special needs. So through handwriting is a brain writing, right? And whatever is in our thought, that comes on paper, right? And by reversing the thing, by writing, we can change our thought process. So that means our brain is a very simple yet complex organ in our body. So what happens is there are so many neurons, and I'll just talk very briefly. I'll not go into the specifications. जैसे इलेक्ट्रिसिटी के दो तार जब होते हैं, तो जब दो तार होते हैं और जब जो उसको हम मतलब ज्वाइन करते हैं या पास में लेके आते हैं, there is a fire. तो same thing happens when two neurons touch each other, there is a kind of fire in the brain. This is called synapse. So when synapse happen, so we tend to do something different, out of the box thinking. Our brain is not being used like a normal person might have used his brain from 5 to 7%, and the people who are scientists, they might have used their brain till 13%. So the rest 83% matlab is unused. Okay, so everything like all the ingredients are in our brain, and all the ingredients are in our breathing. So the way we shift our breathing will shift your state. So as I am a NLP practitioner, I can produce state on demand. So for example, if I want confidence in me, confidence जो है हम market से उसको खरीद के नहीं ला सकते, वो हमारे में होता है। तो last time कब मैंने confidence किया था, तो बचपन में हम लोग चलते हैं, right? तो हमने कभी failure का हमें पता ही नहीं है कि हम उस चल रहे हैं और हम लोग गिरते हैं फिर चलते हैं, maybe we have fallen more than 5,000 times. Okay, yet we got up and we were walking. But nowadays youth are trying to commit suicide, which is not patterns a good sign. हमने repeat नहीं करना है, क्योंकि अगर वही pattern रहा तो हमने सीखा क्या? So my company name is Rachayita Manopratibhim, where I am my creator. We are our own creator. सो थैंक यू सो मच मैम, थोड़ा बहुत आइडिया हमें लगा है कि क्या है ये। तो अगर हम ये चीज़ समझे कि हम हैंड राइटिंग के थ्रू
अपने उसके अंदर वो पैटर्न्स डेवलप कर सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग से। हाँ जी, है ना, उसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी या वी आर क्रिएटिंग अ न्यू पाथ, न्यू पाथवेज हम बना रहे एग्जैक्टली। हाँ, तो मैम जैसे हम जब लिखते हैं तो हम कुछ सोच के लिखते हैं वहाँ से, है ना, तो हम क्या करते हैं उसमें रिवर्स क्या करते हैं कि जैसे हम सोच के लिखते हैं, हम लिख के उसको राइट सोचेंगे। जब हम ईईजी पे जाते हैं तो हमने ये देखा उस रिसर्च में कि जब हम लिखते हैं तो हमारा जो हमारे ब्रेन में फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हाँ, exactly. जैसे हम जैसे अल्फा बीटा समथिंग, है ना, तो जब हम लिखते हैं ओके तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्फा स्टेज में पहुंचता है। इट इज जस्ट लाइक व्हेन यू आर मेडिटेटिंग यू आर इनटू अ कामनेस। एग्जैक्टली। ओके, व्हेन यू आर मेडिटेट व्हेन यू आर आल्सो इन अ स्पेसिफिक टास्क यू आर इनटू दैट स्टेट ओके वेयर यू कैन यू आर अचीविंग द नो नथिंगनेस यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग सो यू अचीव दैट अल्फा स्टेट। All right. So it is been proven that writing is equal to meditation. So since we are using these gadgets day in day out 24/7, so it is we need to have a release also. We cannot keep our our emotions inside. So one thing is you can journal. Okay, just find out which is the best thing which has happened and you can just journal. You can have a gratitude journal ki aaj mujhe kya achha laga aur main uska shukriya ada karu. So when you journal or when you write your goals also, that thing gets registered in our brain. It's just like AI. Hum AI ki baat karte hain, artificial intelligence ki. But artificial intelligence जो है we are artificial intelligence because यहीं से वो जो है वो produce हो रहा है we have just replicated God has made our body so beautiful and some or the other way our body is representing any fruit any flower any for example you can take the walnut इट लुक्स अक्रोट जिसे कहते हैं वो हमारे ब्रेन की शेप में है और उसको खाने से जो है यू गेट द एंटी ऑक्सीडेंट्स ओके यू गेट द ओमेगा फैटी एसिड सो ब्रेन फूड गॉड हैज मेड सो ब्यूटिफुली स्निकिंग ईच एंड एवरीथिंग मोबाइल की चंगुल से निकले क्योंकि दिस इज नॉट गुड फॉर द बॉडी लोग जो है अपनी हॉबीज को परस्यू करें रिवाइव करें ड्राइंग करें। तो मैम अभी आपका सेंटर कहाँ पे है और कहाँ कहाँ ऑपरेशनल है और कोई आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? हाँ वो मेरे व्हाट इज योर वेबसाइट? या माय वेबसाइट इज www.manopratibim.com जिस तरह मैंने बोला कि रचयिता मनोप्रतिबिंब है रचयिता मीन्स क्रिएटर मनोप्रतिबिंब मीन्स रिफ्लेक्शन कैसा उनका फीडबैक है उनकी अभी प्रेजेंट लाइफ में क्या उस चीज का इम्पैक्ट पड़ा है देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्टूडेंट्स के साथ काम करती हूँ तो एक छोटी सी बात ले लेते हैं कि मम्मी ने जो है मोबाइल छीन लिया कि बैठ के पढ़ो बेटा सो पहले तो उनको गुस्सा आता था जब मेरी थेरेपी उन्होंने ग्राफोथेरेपी यूज करी उनको मैंने कस्टमाइज पैटर्न्स दिए तो उनका जो है मम्मी टीवी बंद करे या मोबाइल छीन ले उनका कोई मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता एंड दे आर फोकसिंग ऑन स्टडीज बिकॉज दे हैव टू गो फर्दर दिस इज सी मोबाइल और जितना हमारा टेक्नोलॉजी है इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस सो वी नीड टू स्टॉप समवेयर और द अदर। ओके मैम, सो आपने मैम यहाँ पे एक टर्म यूज की ग्राफोथेरेपी तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी इन हिंदी कि ये क्या है मतलब ग्राफो मतलब जैसे ग्राफो मींस ग्राफ सो ये ग्राफ टू राइट सो ग्राफो मींस यू विल डू द पैटर्न्स मतलब इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द लैंग्वेज आई विल गिव यू सर्टन पैटर्न्स लुकिंग एट योर हैंडराइटिंग
अगर फॉर एग्जांपल आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा ही एंगल्स है तो आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत एग्रेशन होगा, थोड़ा बहुत गुस्सा होगा, तो उसको कम करने के लिए आई मे गिव यू समथिंग कर्वी. सो उस वो जब आप करोगे तो आपका नेचुरली वो न्यूरो पाथवेज बनेगा और उसका एक प्रोसेस होता है जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, ओके, डॉक्टर एक कोर्स देता है 3 दिन 4 दिन या 5 डेज अकॉर्डिंग टू डिजीज. सो लाइक दैट आवर न्यूरो पाथवेज स्टार्ट फॉर्मिंग, इट टेक्स एटलीस्ट 28 डेज. ऑल राइट, सो 28 डेज के बाद जो है न्यूरो पाथवेज फॉलो, मतलब फॉर्मेशन उनकी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग जो है उसी पैटर्न में जो है बिल्कुल होते हैं. बिल्कुल, अगर आपको मतलब फिर आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई मैं कहीं भटक रहा हूँ, तो अगेन यू नीड टू गेट बैक. जैसे मतलब इट्स जस्ट लाइक ब्रीदिंग, ओके, मैं सांसें ले रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक मेटाफर यूज़ करती हूँ, मैं जाके पानी पीती हूँ या मैं जाके रिवर्स काउंटिंग करती हूँ. तो इट्स सेम एज दैट. Alright. When I control my breathing or my when I shift my physiology, when I shake off something, when I disassociate with a particular context, then things go automatically. All right, ma'am. So, ma'am. मुझे एक चीज़ बताएं कि मतलब आपका ये सेशंस जो हैं ये कैसे अटेंड किया जा सकते हैं? जैसे अब आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, हम वहाँ रजिस्टर करेंगे, सो हमें कॉलिंग्स आएंगी, तो मतलब जैसे अब मैं जम्मू में हूँ तो मुझे अब आपके साथ कांटेक्ट करना है और मुझे वो चीज़ करनी है, मतलब आई वांट टू टेक योर थेरेपी. या सो व्हेन यू गो टू माय वेबसाइट यू कैन एंटर योर डिटेल्स एंड दैट विल कम टू माय व्हाट्सएप डायरेक्टली. ऑलराइट, so you have built some integrated system. Yes, yes. है ना, CRM system आपने build किया. तो मैम जो sessions लेने हैं वो online हम ले सकते हैं, मतलब आप घर बैठे बैठे ले सकते हैं? So क्या duration रहती है per class की और ये कितनी देर चलती है and what will be your charges? The thing is that when you come to me, you need to give me your handwriting sample. ओके, हैंडराइटिंग सैंपल आप दोगे जहाँ पे आप A4 साइज पे अपने बारे में लिख रहे हो, एंड यू शुड राइट विथ आई, PPI मीन्स पर्सनल प्रोनाउन आई के साथ अपने बारे में लिखोगे, अपने 3 सिग्नेचर करोगे, और अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस आई विल जस्ट एनालाइज योर राइटिंग एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गिव 3 यूनिवर्सल पैटर्न्स. उससे शुरू करते हैं हम. सो सबसे पहले होता है मेंटल डिटॉक्स पैटर्न, सेकंड होता है फोकस और कंसंट्रेशन के लिए. सो इसको करने के बाद देन आई गिव द कस्टमाइज पैटर्न. सो आपको करके पिक्चर क्लिक करके मुझे भेजना होता है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप. एंड हर हफ्ते मैं ऑनलाइन मतलब हाफ एन आवर का सेशन रखूंगी कि मैं आपसे बात करूंगी कि आपको कैसा लग रहा है, क्या है, क्या कुछ चेंज हुआ. सटल चेंज भी आपने मुझे बताना है कि ऐसा हुआ, कोई इवेंट ऐसा हुआ कि पहले नहीं हुआ, मैं ऐसे सोचने लगा हूँ. तो दैट विल बी दैट इज़ अ थिंग एंड आई विल बी कनेक्टेड विथ यू फॉर 60 डेज एंड आई चार्ज 10,000 for the whole thing. And it might not be only graphotherapy, I can use NLP also, I can use mindfulness also, I can also tell you ki bhai aap jaake dhoop mein khade ho jao. So I will not give only graphotherapy. All right ma'am. So ma'am ye jo hai ye koi bhi एज का जो पर्सन है वो ले सकता है? हाँ जी, कोई भी ले सकता है, बट जो बच्चे 14 से नीचे है उनका पेरेंट्स का सैंपल चाहिए होता है मुझे, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग वहाँ हुई नहीं होती है. तो उससे मुझे पता लगेगा कि बच्चा कैसा है. ऑल राइट मैम. सो वैसे तो मेरे ये सवाल थे सारे के सारे. अब आपने एक टर्म लिया था NLP, तो NLP को मुझे थोड़ा हिंदी में थोड़ा प्लीज़ डिफाइन कर दें कि मतलब कैसे हम इसको किसी को समझा सकते हैं, क्योंकि मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया. सो कैन यू प्लीज़ टेल मी इन सिंपल वर्ड्स कि व्हाट इज़ NLP?
एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है ये कोडेड होती है, जैसे हम कोडिंग करते हैं, जैसे ऐप बनाने के लिए एक कोडिंग प्रोसेस की, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में 0 and 1 बाइनरी लैंग्वेज। सो लाइक दैट एनएलपी इज आल्सो कोडेड, ओके। सो दैट हैज सर्टेन प्रोसेस, सो वी नीड टू फॉलो दैट प्रोसेस। फिर टाइम दिया हमें, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। तो आप मैम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू ऑल दी वेबसाइट डिटेल्स एंड दी कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मतलब हैंड राइटिंग को लेके भी ऐसा कुछ हो सकता है, मेरे लिए ये बहुत एक यूनिक चीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।